लॉकअप से बाहर आते ही फर्स्ट रिएक्शन आ चुका है निशा रावल का। जी हाँ, आखिर उन्होंने किसके बारे में बड़ा बयान दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूज। इस बार लॉकअप से बाहर आई हैं निशा रावल और करणवीर बोहरा और शाइशा की एंट्री हुई है लॉकअप के अंदर। आपको बताना चाहूंगी कि स्पॉट हुई है निशा रावल अपने बेटे के साथ, काविश के साथ, और उसी दौरान उनसे जब पूछा गया एक्सपीरियंस को लेकर, कंगना रनौत को लेकर, सभी सवालों को लेकर, तो उन्होंने जवाब दिया। पहले उनसे पूछा गया एक्सपीरियंस कैसा था आपका, तो वो कहती है कि एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी चैलेंजिंग था। लॉकअप के अंदर एकदम कैदियों की तरह रहना पड़ता था, फन था, अच्छा था, और सबसे ज़्यादा तो बाकियों के साथ, कंटेस्टेंट के साथ डील करना काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे लोग से नहीं मिल पाते और ऐसे लोग आपको फिर मिल जाते हैं, उनसे डील करना पड़ता है। ये बात कही। फिर कंगना रनौत को लेकर जब पूछा गया कि उनको लेकर क्या कहना चाहेंगी, तो कहती थी, उन्होंने कहा कि चार्जशीट के दिन या जजमेंट के दिन बहुत ही ज़्यादा डर लगा रहता था, और कंगना रनौत हमेशा उन्होंने पॉजिटिव तरीके से मेरे परफॉर्मेंस को लेकर, मुझे लेकर उन्होंने बताया, जबकि वो बोलती थी कि मेरा कोई लेना देना नहीं है तुम लोगों से, लेकिन फिर भी वो हमें समझाती थी और किस तरीके से खेलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो हमें बताती थी। और कंगना को लेकर उन्होंने ये कहा। फिर सबसे ज़्यादा अच्छी दोस्त कौन बनी, तो सारा खान का वो नाम लेती है कि सारा खान सबसे ज़्यादा क्लोज थी, मेरी सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड में से वो है, और शाइशा भी थी, शाइशा के बाद वो नाम लेती है शिवम का, तहसीन का, ये सभी अच्छे दोस्त थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सारा के साथ बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और कई लोगों के साथ तो बनी भी नहीं, और नहीं समझ में आता था उनके साथ, वाइब नहीं मैच होती थी, ये सब बातें कही हैं। अपना जो रिएक्शन है, अपना जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने शेयर किया है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें ज़रूर बताइएगा। निशा रावल आपको लॉकअप में कैसी लग रही थी, उनका परफॉर्मेंस कैसा लग रहा था, क्या आप चाहते हैं कि उनकी फिर से री एंट्री हो, बता दीजिए। और देखते रहिए फीफा फूज इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।